2015 अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स की सेल में क्रांति लाया था। वहीं 2000 के शुरुआती 3 महीनों में भी काफ़ी अफोर्डेबल रेंज के स्मार्टफोन हमें देखने को मिले। लिनोवो ने भी मार्केट में एक और अफोर्डेबल रेंज का स्मार्टफोन वाइव K5 प्लस उतार कर इसी दिशा में अपना एक और कदम बढ़ाया है। तो आइए एक नज़र डालते हैं इसके प्राइस और स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स पर, और देखते हैं कंपनी ने इसमें पिछले स्मार्टफोन्स के मुकाबले क्या कुछ नया दिया है या क्या कुछ मिस किया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक ट्रैप्स, मैं हूं आपका होस्ट नितेश, और एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। लुक्स की बात करें तो लिनोवो ने इस बार अपनी टिपिकल प्लास्टिक बॉडी से हटकर इसमें मेटालिक बॉडी दी है, जो कि काफ़ी एलिगेंट एंड प्रीमियम फील देती है। फ़ोन के राइट साइड में लॉक स्टैंड बाय बटन है और साथ में वॉल्यूम रॉकर्स की है। बॉटम में 3.5 mm ऑडियो जैक के साथ USB पोर्ट है। अप साइड में माइक है एंड राइट साइड फ्लैट दी गई है। इसके अलावा फ़ोन की थिकनेस 7.9 mm है। डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो 5 इंचेस है, जो कि 10-point मल्टी टच कैपेसिटिव फुल HD है और 441 PI के साथ 1920x1080 का रिजोल्यूशन देती है। डुअल सिम स्मार्टफोन है, जो कि दोनों सिम स्लॉट्स 4G सिम सपोर्टेबल स्लॉट्स है। हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है, आप इसमें माइक्रो SD कार्ड के साथ साथ अपने दोनों सिम्स लगा सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम 5.1 एंड्रॉयड लॉलीपॉप है, और ख़ास बात यह है कि स्मार्टफोन में लिनोवो ने थिएटर मैक्स टेक्नोलॉजी भी दी है, तो आप आराम से अपनी मूवीज़ गेम्स का लुत्फ़ इसमें 3D में उठा सकते हैं। प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें 1.7 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और चिपसेट 64-bit स्नैपड्रैगन 616 है। GPU गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है, Adreno 405 है। मेमोरी की बात करूँ तो इसमें 2GB LPDDR3 RAM है और इंटरनल स्टोरेज 60GB दी गई है, जिसको आप 128GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। लिनोवो के हर स्मार्टफोन की तरह इसमें भी डॉल्बी एटमॉस का आप आनंद उठा सकते हैं। जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो है इसकी 2750 mAh की यूज़र रिप्लेसेबल बैटरी, जो कि आप कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं। लगभग हर तरह की कनेक्टिविटी इसमें दी गई है। ब्लूटूथ वर्जन 4.1 है, नेटवर्क चिपसेट LTE-C84 है और FM रेडियो भी इसमें दिया गया है। कैमरा इम्प्रेसिव है, जो कि 13 MP रियर और 5 MP फ्रंट है। नेचुरल लाइटिंग में क्रिस्टल क्लियर इमेजेस क्लिक करता है। रियर कैमरा F2.2 अपर्चर के साथ आता है और कंपनी ने इसमें OB-13850 सेंसर दिया है, जो कि काफ़ी शार्प इमेजेस एंड स्टेबल इमेजेस लेता है। इसके अलावा फ्रंट कैमरा में F2.8 अपर्चर दिया गया है। इस स्मार्टफोन को कंपनी ने अफोर्डेबल रेंज में उतारा है, तो कंपनी ने इसकी कीमत 8,499 इंडियन रुपीज़ रखी है। वाइव K5 प्लस को आप 23 मार्च दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट से ओपन सेल में खरीद सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ने अपने लिनोवो A6000 और A6000 प्लस के एग्जिस्टिंग यूज़र के लिए एक्सचेंज एंड अपग्रेड ऑफर्स देने का भी वादा किया है। तो ये था फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो लिनोवो वाइव K5 प्लस का। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। बाय बाय यूट्यूब, टेक केयर।